राहुल के इस्तीफे का ऑपरेशन, क्या है इस्तीफे के पीछे का सच, नाजुक वक्त में राहुल ने क्यों झाड़ा पल्ला। आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस का इससे बुरा दौर शायद ही कभी रहा हो। केंद्र की सत्ता से वो 5 साल के लिए बाहर है, और जहां तक राज्यों की बात है तो पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही पार्टी सत्ता में है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार है, यानी देश के तमाम राज्यों से भी कमोबेश बेदखल। इस साल खत्म हुए लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां नरेंद्र मोदी ने कुल 142 रैलियां की, वहीं राहुल गांधी ने उनसे 3 ज्यादा यानी 145 रैलियां की। लेकिन प्रदर्शन निराशाजनक, बेहद निराशाजनक। कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें ही मिल पाईं, हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 8 सीटों का फायदा जरूर हुआ, लेकिन पार्टी के वोट प्रतिशत में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। 2014 में पार्टी का वोट शेयर 19.31% था, तो 2019 में 19.5%। 2019 में कांग्रेस की जीत का अंतर भी महज 8.60% रहा, जबकि 2014 में जीत का अंतर 13.6% था। नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा रैली करने वाले राहुल गांधी अगर अपनी पार्टी के आंकड़े को 100 तक भी नहीं पहुंचा पाए, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि उनके व्यक्तित्व में वो धार नहीं कि अपनी रैलियों को सीटों में कन्वर्ट कर सके। कुल मिलाकर कांग्रेस सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। इस वक्त पार्टी के पास न सत्ता है, न ताकत है, न रुतबा है, न जनाधार है। कांग्रेस वक्त की खतरनाक लहरों में फंसी हुई है, और इसके मुखिया अपनी पार्टी को इसी हाल में छोड़कर सेफ एग्जिट तलाश रहे हैं। पल्ला भी ऐसे झाड़ रहे हैं कि मार्गदर्शन तक को तैयार नहीं है। हालांकि ये जरूर कह रहे हैं कि लड़ाई पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ जारी रहेगी। मैंने कल जो भी कहना था मैंने अपने नोट में कह दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल जारी रहेगी और जोरों से चलेगी, जैसे पिछले 5 साल में लड़ा ना, उससे 10 गुना ज्यादा। गांधी नेहरू परिवार से कांग्रेस के कुल 6 अध्यक्ष रह चुके हैं। पिछले 21 साल से पार्टी की पूरी कमान नेहरू गांधी परिवार के हाथ में थी, लेकिन अब जब पार्टी की हालत खस्ता है तो गांधी परिवार का कोई दूसरा सदस्य भी आगे आने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी की मुश्किल ये है कि गांधी परिवार की छत्रछाया हटी तो उसके नेता गड़बड़ाने लगते हैं। राहुल गांधी ने इस्तीफे की चिट्ठी पब्लिक कर दी, लेकिन उसके बावजूद उनके मान मनोवल का दौर जारी रहा। उनके समर्थन में धरने प्रदर्शन हुए और अमरण अनशन की बात भी कही गई, लेकिन जब इशारा गांधी परिवार की तरफ से आया तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उनकी बात माननी पड़ी। देखिए, अब ये कार्यकारिणी पर है, हमारी पार्टी का संविधान है, अब वरिष्ठ नेता बात करेंगे, सोनिया जी से करेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, एंटनी जी हैं, राहुल जी स्वयं हैं, और बाकी लोग हैं, चाहे हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं और जो कार्यकारिणी के वरिष्ठ नेता हैं, आपस में बात करके जो संविधान कहते हैं उसके मुताबिक इसका कोई हल निकालेंगे। कांग्रेस के नेता राहुल की जिद के आगे बेबस दिखाई दे रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अध्यक्ष चाहे जो हो, पार्टी के नेता राहुल गांधी ही रहेंगे। हमारे लिए तो ये अत्यंत दुख का विषय है। ये उम्मीद हमारी थी बहुत दिन तक, जब से उन्होंने ये संकेत दिए थे, हम लोगों को सबको ये उम्मीद थी, कहीं विश्वास भी था कि धीरे 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 शायद हम उनको मना लेंगे। बहुत लोगों ने प्रयास किया और मैं जानता हूँ कि उनका संकल्प बहुत दृढ़ होता है और उस संकल्प को कोई बदल नहीं पाया। बहुत प्रयास हुए, कोई बदल नहीं पाया। आज उन्होंने अगर इस बात को अंतिम बार फिर से कहा है तो हमको बड़े दुख के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। हम तो एक बात जानते हैं कि वो अध्यक्ष नहीं हैं, नहीं रहेंगे, लेकिन वो नेता तो रहेंगे कांग्रेस के,
माननीय सोनिया जी अध्यक्ष नहीं हैं, उन्होंने अपने पद को पद से मुक्ति प्राप्त करी और राहुल जी को दिया वो पद। वो हमारी लीडर रहीं और हैं और रहेंगी, वैसे वो भी हमारे लीडर हैं और नेता हैं और रहेंगे, और उम्मीद है कि आने वाले समय में जब समय बदलेगा तो हम उनको एक नई ऊर्जा के साथ फिर से इस देश की अगुवाई करते हुए हमको देखने का एक अवसर प्राप्त होगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी का इस्तीफा बहुत निराशाजनक है, वे स्पष्ट दृष्टि और सकारात्मक ऊर्जा के साथ पार्टी का नेतृत्व करते रहे हैं, वे देश में विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज बन गए और अगुवाई करते हुए राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। उधर प्रियंका गांधी ने राहुल के इस्तीफे के फैसले का समर्थन करते हुए उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा कि बहुत कम लोगों के पास वो साहस होता है जो आपके पास है, आपके फैसले को लेकर गहरा सम्मान व्यक्त करती हूँ। सवाल ये है कि जब सारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ये मान रहे हैं कि राहुल का नेतृत्व तो करिश्माई है, तो फिर वे जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हैं? जबकि कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले भाषण में राहुल गांधी ने अपनी माँ के हवाले से कहा था कि सत्ता जहर है। Last night, every single one of you congratulated me. Many of you came, hugged me, and congratulated me. But last night, my mother came to my room, and she sat with me, and she cried. She cried because she understands that the power so many people seek is actually a poison. जब सत्ता जहर थी और कांग्रेस की कमान परिवार के हाथों में थी, तब तो राहुल गांधी ने उसे पीने से परहेज नहीं किया। अब जब सत्ता है नहीं और सिर्फ जिम्मेदारियां हैं, तो राहुल गांधी क्यों उससे पिंड छुड़ाने को व्याकुल दिख रहे हैं? इसके पीछे की वजह को समझना होगा। दरअसल 2019 में इतिहास रच देने वाले नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान लगातार कांग्रेस के परिवारवाद पर हमला किया, ये बताने की कोशिश की कि कांग्रेस में मेहनत तो कोई और करता है, लेकिन सत्ता सुख नेहरू गांधी परिवार भोगता है। कई बार तो मुझे कांग्रेस के अनेक पुराने कार्यकर्ताओं पर, जिन्होंने संघर्ष किया, जमीन पर काम किया, कभी कभी उनके प्रति बड़ी दया आती है, संवेदना का भाव आता है। उनका संघर्ष, उनका सामर्थ्य सिर्फ एक परिवार के काम ही आ रहा है। 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी लगातार एक लफ्ज का इस्तेमाल करते थे, नामदार। ये लफ्ज भी कांग्रेस के परिवारवाद पर सीधी चोट थी। इनकी केवल तीन सच्चाइयां हैं, उसमें वो झूठे नहीं होते। एक तो है नामदार परिवार, भ्रष्टाचार और झूठे वादों की भरमार, इसके अलावा कुछ नहीं है। मोदी के अल्फाज वाले ये तीर निशाने पर भी लगे और चुनाव में कांग्रेस की मिट्टी पलीद हो गई। बहुत मुमकिन है कि राहुल गांधी इन आरोपों से बाहर निकलना चाहते हों, मोदी के इन हमलों के खिलाफ जनमानस को एक संदेश देना चाहते हूं कि कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार के साए से दूर हो रही है। हालांकि राहुल को ये बात अच्छी तरह पता है कि अध्यक्ष पद से हटने के बाद भी पार्टी पर परिवारवाद की पकड़ कमजोर नहीं पड़ेगी। देश भर के कांग्रेस नेता लगातार इस बात के संकेत भी दे रहे हैं। पूरा देश के हमारे कांग्रेस संगठन के सभी छोटा अधिकारी हो चाहे बड़ा पदाधिकारी, सभी ये चाहते थे कि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहें, और आज भी हम ये चाहते हैं कि हमारा नेतृत्व, हमारे जो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी रहें। अभी उनका निर्णय है, फिर भी हमारी अभी भी ये कोशिश रहेगी आगे भी कि उनको हम मनाएं और हमारी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व राहुल गांधी जी करें। गांधी परिवार के प्रति पार्टी के नेताओं का समर्पण जब इस दर्जे का हो, तो इस्तीफे जैसे कदम से कोई खतरा भी महसूस नहीं होता।
शायद यही वजह है कि राहुल गांधी अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। यहाँ एक बात तय है कि पार्टी की कमान उसी के हाथ में जाएगी जिस पर नेहरू गांधी परिवार का भरोसा कायम है। जिन नेताओं के नाम की चर्चा है उनमें अशोक गहलोत, सुशील कुमार शिंदे और मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम शामिल हैं, और इन तीनों ही नेताओं की गांधी परिवार के प्रति निष्ठा जग जाहिर है। और अगर इनमें से कोई भी अध्यक्ष बनता है तो साफ है कि रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी और गांधी नेहरू परिवार के हाथ में होगा। कुल मिलाकर राहुल के लिए चित भी मेरी और पट भी मेरी वाली स्थिति है। अगर अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो जिम्मेदारियों के बोझ से जरूर मुक्ति रहेगी, शायद राहुल यही चाहते भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।